बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए तो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने दोबारा जिस तरह हमने पहले किया था स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं, तो इसके लिए हम जानते ही हैं दो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से करेंगे पॉइंट, और अगर फ्रैक्शन में एक गिवन हो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो किस तरह करते हैं ये आप जानते ही हैं, पिछले वीडियोस में आपने यकीनन समझा होगा। तो यहाँ पे 0.16 दिया हुआ है, पेयर्स बनाएंगे, बाकी सारे प्रोसेस वही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मुश्किल जो सवाल है उसको सोल्व करके आंसर लेकर आने की कोशिश करेंगे। पार्ट वन है 0.16, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड आप कर सकते हैं 0.16 पेयर्स बनाएंगे, 0 तो 0 पॉइंट यूज करेंगे। इसके बाद 16 के लिए आप डायरेक्ट यहां से ही लिख सकते हैं, 0 0 0 करके लिखने के बजाय 0 हो तो आप क्या करेंगे, 4 चौके 16, ठीक। तो इस तरह 0 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करेंगे 0 आएंगे, आंसर आपके पास कितना आएंगे, 0.4 आएंगे, ठीक। इसी पार्ट टू है 20.25, तो इसके लिए आप 20.25 को इसके अंदर लिखेंगे इस तरह, ठीक। फिर पेयर्स बनाएंगे, 4 चौके 16, 5 5 25, तो आपने क्या लिखना है, 4 चौके 16 ही लिखना है। इसके बाद माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आएंगे, 4 आएंगे, इसका डबल कर देंगे, इसको पॉइंट जबकि अगला वाला जब नंबर आप नीचे लेकर आएंगे ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर देना है। बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही सेम टू सेम है। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आना चाहिए, लास्ट नंबर है इसलिए 5 5 6 25, 8 5 6 40, 41 42, ठीक। तो ये हमने सीखा था पिछले वीडियोस में, तो आंसर आपको मिलेंगे 20.25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो है 4.5 आंसर, ठीक। अगला पार्ट 3 आप कर पाएंगे, 4 देखते हैं। पार्ट 4 है 0.1296, तो इसका आपने लेना है डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। फिर 0 आ चुके हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जानते ही है, 0 पॉइंट यूज़ करेंगे। 12 के लिए 3 3 9 होते हैं, तो माइनस करेंगे 9 10 11 12 3 396, और 3 का डबल करेंगे तो 6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में 6 आएंगे, या तो 4 से या तो 6 से, तो आपने 6 6 36, तो 6 से मल्टीप्लाई ही करना होगा, 6 6 36 6 6 36 37 38 39, ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 0.36, समझ गए। अगला करते हैं 5, तो इसमें 9.8596 गिवन है, पेयर्स बनाएंगे, 3 3 9 होंगे, ये आप जानते ही है। इसके बाद पॉइंट यूज करेंगे, 85 को नीचे लेकर आएंगे, 3 2 6, आप क्या करेंगे, 1 द होंगे, 2 करेंगे तो 128 हो रहे हैं, इसके 122 हो रहे हैं, तो 4 और 2, इसके बाद 9 6 को नीचे लेकर आएंगे, इसका आपने करना है डबल, तो 6 डबल करेंगे तो 2 ही आएंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 चौके 16 या 6 6 36, ठीक। तो 6 चौके 6 6 36, 4 4 6 24 होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 चौके 16, तो यकीनन यही होंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो आंसर आएंगे आपके पास 3.14, ठीक। इसके बाद 6 आप कर पाएंगे, 7 देखते हैं। तो सवाल 7 है 0.000225 है, तो इसके लिए पेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ से कुछ इस तरह से होंगे 0 पॉइंट। अब जबकि यहाँ पे 2 जीरोस है, तो 1 जीरो ऊपर लगाएंगे, ये तो आप पता जानते ही हैं। इसके बाद इसको नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पे 0 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 1 कर सकते हैं, 2 2 4 होते हैं, ठीक। तो 1 इसको क्या करना है, 0 1 1 1 1 करके लिखिएगा, इसके बाद माइनस करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, इसका डबल कर देंगे, इसके बाद 25 5 125, ये तो
आप डायरेक्ट बता सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप लास्ट डिजिट देख लीजिएगा, 5 5 25 5 आना चाहिए तो आंसर आएंगे आपके पास 0.015। इसके बाद 8727.9204 तो ये आप कर पाएंगे। पेयर्स बनाएंगे तो 2 2 4 होंगे, 3 2 7 को नीचे लेकर आएंगे तो यकीनन आप ये कर पाएंगे। अगला है 9, इसका पेयर्स बनाएंगे तो 2, तो इसके लिए आपने 1 1 द 1 माइनस करेंगे, 1 0 7 नीचे लेकर आएंगे इसका डबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे 5, अभी हमने देखा 125, तो आपने करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 4 16 4 2 8 9 ठीक, तो ये आएंगे 96। अब क्या करना है, जो माइनस करना है तो 9 10 11, इसके बाद पॉइंट यूज़ करना होगा, यहाँ पे इसको नीचे लेकर आएंगे इसका डबल कर देंगे तो 8, यहाँ से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और ये 5, तो यकीनन 285 84 86 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चेक करते हैं बीच वाला 5 5 25 7 5 46 47 42 5 2 10 14 1425, तो 24 4 का चेक करना होगा, 4 4 16 8 4 32 33 4 2 8 9 10 11 11 36, ये भी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 9 8 24 3 2 6 7 8 ठीक, इसके बाद माइनस कर देंगे तो 7 8 यहाँ पे 9 ये 0 तो 9 5, इसके बाद ये 10 और 2 ठीक 258, अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ से अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है 28 और इसका डबल कर देना है, ये आप जानते ही है तो करते हैं। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे, तो या तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे या 9 के साथ, 981 होते हैं ना, तो आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब 9 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 991 56 54 55 57 69 62 66 89 72 तो 78 9 2 18 25 ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं आंसर आएंगे 14.39 ठीक, इसका रूट सुखे रूट लेने के बाद। इसके बाद 10 11 यकीनन आप कर पाएंगे, तो लास्ट सवाल करते हैं 12, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, पेयर्स बनाएंगे 2 2 4 तो 2 का डबल करेंगे तो 4, इसके बाद 60 को नीचे लेकर आएंगे तो यकीनन 41 सही होंगे, ये इजीली आप कर पाएंगे। अगला है 11, तो 7 2 6 0 तो ये भी बहुत ही इजी है, 12 करते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 2 3 4 जीरो से 1 2 9 6 है, तो इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करना है, तो 1 2 3 4 5 ठीक, तो 0 पॉइंट आएंगे, 2 2 0 है तो 2 0, इसका 1 0 आएंगे, इसका 1 0 आएंगे, इसके बाद 12 के लिए आप क्या करेंगे, 3 3 9 ठीक, माइनस करेंगे 9 10 11 12 तो 3 96, इसका डबल कर देंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए तो 6 6 36 4 4 6 24 होते हैं, 39 नहीं होंगे, 6 6 36 इसके करीब आ रहे हैं तो 6 6 36 6 6 37 37 38 39, तो आप देख सकते हैं आंसर आएंगे इसका 0.0036 ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ ए स्कूल इज 4 2 0 2 5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक स्कूल है उसका लॉन का जो एरिया है वो स्क्वायर शेप का है, ये भी आपने याद रखना है ठीक, एक स्क्वायर शेप का लॉन है उसका एरिया आपके पास दिया हुआ है 4 2 0 2 5 मीटर स्क्वायर, इसके बाद इफ़ यू कम्प्लीट 2 1 आवर 5 राउंड आप द स्क्वायर लॉन, अगर आप यहाँ से ना 2 का मतलब क्या होते हैं, राउंड का मतलब होते हैं इधर से बाहर ही जो किनारा है उसको राउंड कहा जाता है, यहाँ से बाहर से जाना ठीक, तो यहाँ से 2 into 1 over 5 का है, तो 2 चक्कर उन्होंने लगाए हैं इस तरह ठीक, 1 फिर 2 इसके बाद 1 over 5, यहाँ पूरे में से 1/5 हिस्सा और राउंड उन्होंने लगाए हैं। इसके बाद हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल, अब आपसे कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस आपने
तय किया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहला काम हमें यहाँ से या लेंथ चाहिए या पेरीमीटर चाहिए। तो आप लेंथ निकाल सकते हैं एरिया की मदद से, पेरीमीटर के लिए दो स्टेप करना होगा। ठीक, तो आप सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है एक लेंथ का। इसके बाद आपने निकालना है पेरीमीटर का, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसका वन जो राउंड है वो कितना है। जब वन राउंड का आपको पता चल जाए ना कि एक राउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप इसके बाद टू वन उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/5 से, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक स्क्वायर लॉन हो उसका राउंड हमने क्या करना है, 2 × 1/5 का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमें 1 का चाहिए, 1 पैरामीटर का, इसके बाद आपने 2 × 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन इक्वल टू, ये पूरा आप लिखिएगा 4205 मीटर स्क्वायर होंगे इफ़ यू कंप्लीट वन 2 × 1/5। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं वो हमने सीखा था, रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो यकीनन वो उसका लेंथ आ जाएंगे। तो 4205 डिटेल से हमने सीखा था ये क्यों होते हैं, वो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब इसको निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, आप उस मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं। तो 2 × 2 = 4, ठीक, इसके बाद उसका डबल कर देंगे, 20 नीचे आएंगे, आप नहीं हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, बढ़ाने के बाद 25 को नीचे लेकर आएंगे तो 5 के साथ होंगे, 5×5 = 25, 5×4 = 20, इस तरह इसको तरतीब से लिखिएगा, आप लिख सकते हो यकीनन। तो इस तरह एक लेंथ आएंगे आपके पास 2 × 0 = 5, समझ गए, एक लेंथ आपके पास आ चुके हैं। अब पैरामीटर निकालना है पूरे का, 2 × 1/5 का निकालना है ना, तो हमें पहले 1 का चाहिए, फिर इसके बाद आप 2 × 1/5 निकालो या 2 × 2/6 निकालें, जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। तो पहले हमें 1 का चाहिए, तो 1 पैरामीटर के लिए या राउंड लिखिएगा, 1 राउंड डिस्टेंस करके 1 राउंड का कितना होंगे, पैरामीटर है तो उसके लिए पैरामीटर आप जानते ही है 4L के इक्वल होते हैं, 2 × 0 = 5 × 4 करेंगे तो 4×5 = 20, 4×0 = 8, ठीक, 820। अब आप यहां से 820 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 × 1/5 से, तो नीचे आप लिखिएगा, तो इसमें 1 राउंड का आ चुके हैं 820, यानी पैरामीटर ही कह लीजिए इसको, ठीक, तो इसका आ चुके हैं 820। एक राउंड का अगर ये हो तो 2 × 1/5 का कितना होंगे, तो यकीनन अगर एक का गिवन हो इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1/5 जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ये आप लिखिएगा 2 × 1/5, उसके लिए कितना होंगे, 820 × 2 × 1/5, अब 5×10 = 11, तो 820 × 11/5, 5×5 = 36, 5×20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11×44, 11×6 = 66, 17×7 = 70, 11×11 तो 18, ठीक। तो इस तरह आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 2 × 1/5 करके आप लिखेंगे 1804, समझ गए, आपने सवाल को समझना है, बाकी यकीनन आप कर पाएंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी समझते हैं। सवाल नंबर 5 है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ पे रेक्टेंगल कहा है, स्क्वायर नहीं कहा है, तो एक फील्ड है जिसका जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है, रेक्टेंगुलर है, ठीक, जिसके दो साइड और अपोजिट जो साइड है वो बराबर होते हैं, इज 2 × 1/2 times ऑफ विथ। अब ये जो लेंथ है ना वो कितना है, 2 × 1/2 times विथ है, और विथ तो आप जानते ही है, विथ जो जितना हो ना उसका कितना टाइम्स ज़्यादा है, 2 × 1/2 times ज़्यादा है उसका लेंथ, ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा है इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, अब उसका जो एरिया है वो 50 इशारिया
625 हो मीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ एंड विथ। अब आपसे कहा है लेंथ निकालें, विथ निकालें, तो हम जानते ही है कि एरिया का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होते हैं, लेंथ जरवे विथ होते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या करना है, एल की जगह पे उन्होंने जो सवाल में दिया हुआ है वो पुट कर देना है, तो आपको विथ मिल जाएंगे। जब विथ मिलेंगे तो एल भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड करके आप यहाँ पे लिखेंगे 2 1/2 टाइम्स ऑफ विथ, ठीक। इसके बाद ये आप प्राप्त बना दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद आपने एरिया विन और देट करके एरिया इक्वल टू लेंथ जरवे विथ या ब्रिथ भी कह सकते हैं, यहाँ सवाल में विथ है, ठीक, तो विथ ही लिखिएगा। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप इक्वल टू लेंथ जरवे विथ होंगे, तो ये दोनों लेंथ ये दोनों लिखिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एरिया दिया हुआ है 5.625 दिया हुआ है, लेंथ आपने यहाँ पे ये पुट कर देना है ताकि आपको विथ की जो वैल्यू है वो मिल जाए। तो 2 × 1/2 दो दिन 4 5/2 लिखिएगा, ठीक, 5/2। इसके बाद विथ जरवे विथ ये लेंथ है और विथ की जगह पे आपने विथ ही लिखना है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो विथ मिल जाएंगे, जब विथ मिलेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो लेंथ भी मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 50.625 जरवे 2 डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू दो 2 टाइम्स है, पावर ऐड करेंगे 2 होंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व किस तरह करते हैं ये आप जानते ही है, मैं यहाँ से क्या करूँगा इसको सॉल्व करके आंसर लिखूँगा, तो आपको इसका आंसर मिलेंगे 20.25 है ना जी, 20.25 वो होंगे डब्ल्यू का स्क्वेयर होंगे। हमें डब्ल्यू का स्क्वेयर नहीं चाहिए बल्कि डब्ल्यू चाहिए, तो इस स्क्वेयर को हमें यहाँ से हटाना है। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, 20.25 का रूट लेना है, डब्ल्यू आ जाएंगे। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है ये तो आप जानते ही है, उस मेथड से आपने सॉल्व करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक। तो इस तरह ना डिवीजन मेथड से 20.25 करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 4.5, जो कि क्या है, विथ है, तो विथ पहले लिखिएगा। तो ये आ गए आपके पास विथ, समझ गए, उस रेक्टेंगल का विथ आ गए 4.5। अब आपने निकालना है लेंथ, जो कि सवाल में उन्होंने खुद कहा है, तो एल इक्वल टू 2 × 4 5/2 लिखिएगा इंटू 4.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए किस तरह कर सकते हैं, 5/2 करेंगे, कसर करना हो तो 45/10 कीजिएगा, 5 × 5 5 × 10 और 45/4 तो 4 10 40 4 11 44 4 × 8 4 5 20, ठीक, डिवाइड करेंगे तो इस तरह आपके पास लेंथ आएंगे 11.25 आंसर, समझ गए। तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं, पहले सवाल को समझना है फिर क्या करना है वो सब आपने अच्छी तरह से जहन में रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।